इतने शानदार सेशन के लिए, बहुत ही खूबसूरत सेशन, और आपका फिर से धन्यवाद इतना बेहतरीन सबको विजुअलाइजेशन कराने के लिए और इतना शानदार अफर्मेशन कराने के लिए। और अब आगे के सेशन के लिए आप सबके सहयोग से मैं बड़े सम्मान के साथ में बुलाना चाहूंगा हमारे बहुत ही शानदार जबरदस्त प्रिय मुकेश सिंह साहब को। प्लीज हेल्प मी टू वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सभी लोगों को नमस्कार। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के कमांडो प्रोग्राम में। और जैसा कि आप लोगों को पता चल रहा है कि कमांडो प्रोग्राम के अंदर अभी हमारा ये जो वीक चल रहा है, ये वीक चल रहा है इंडिया ग्रो प्रोडक्ट्स के लिए। हमारा ये 7 दिन में हम लोग 7 प्रोडक्ट कवर करने वाले हैं। इंडिया ग्रो की हम लोग पूरी जानकारी लेने वाले हैं। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था हमारा पहला प्रोडक्ट। उसके अलावा कल हम लोगों ने और डिस्कस किया था कि इंडिया ग्रो के जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्या हैं, उनके सर्टिफिकेशंस क्या क्या हैं। आज इंडिया ग्रो प्रोडक्ट्स जितने भी आज अपने प्रोडक्ट्स हैं, आज इनकी मार्केट में आवश्यकता क्यों है, इनका स्कोप क्या है, राइट? फिर हम लोगों ने बात की थी हमारे एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट के बारे में जिसका नाम है भूअस्त्र। भूअस्त्र क्या है, भूअस्त्र क्यों इस्तेमाल करना चाहिए, भूअस्त्र कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, ये कल हम लोगों ने डिस्कस किया था। चलिए आज हम शुरुआत करते हैं आज के हमारे सेकंड प्रोडक्ट की, जिस प्रोडक्ट का नाम है ग्रो मैजिक। ग्रो मैजिक से पहले मैं थोड़ा सा एक आपको जनरल एक इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि ये जो इंसेक्ट होते हैं या फिर ये बटरफ्लाई होती है, इनका लाइफ साइकिल कैसा होता है, इनकी शुरुआत कहाँ से होती है। जैसे आप देख रहे होंगे आपके सामने इस स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, सबसे पहले बटरफ्लाई क्या करती है, एग देती है, अंडे देती है। ये जितने भी इंसेक्ट होते हैं, जितने भी कीट होते हैं, ये क्या करते हैं, सबसे पहले अंडे देते हैं, हैचिंग जिसको बोलते हैं। अंडे के बाद में एग के बाद फिर हैचिंग, उसमें से फिर क्या निकलता है, उसके अंदर से आपका ये जो 4 स्टेजेस का इनका लाइफ साइकिल होता है। कितने स्टेजेस का, 4 स्टेजेस का। सबसे पहली स्टेज कौन सी हो गई, एग। उसके बाद में दूसरी होती है फिर कैटरपिलर, लार्वा। जब एग को हैचिंग किया जाता है, जब उसको शेया जाता है, तो उसमें से क्या निकलता है, फिर लार्वा, कैटरपिलर। अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए मुकेश जी। यस सर, तो ये हम बात कर रहे हैं 4 स्टेजेस की, किस तरीके से कोई भी इंसेक्ट या बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल चलता है। देखिए, किसी भी इंसेक्ट का या बटरफ्लाई का जो लाइफ होती है वो होती है 21 to 45 days। कितना, इनकी टोटल लाइफ कितनी होती है, 21 से 45 दिन। और इसमें क्या होता है, सबसे पहले एग, उसके बाद फिर कैटरपिलर लार्वा, उसके बाद फिर प्यूपा बनता है, प्यूपा के बाद में फिर एडल्ट बटरफ्लाई या एडल्ट इंसेक्ट बनता है। ये लाइफ साइकिल है। अब इसमें यदि किसी भी प्रोडक्ट यदि आप उस वक्त यूज करते हैं जिस वक्त उसके एग्स हैं, यानी एग ही खत्म हो जाते हैं तो बहुत बढ़िया है, या फिर एग के बाद में कैटरपिलर की अवस्था में यदि वो खत्म हो जाए तो बहुत अच्छा है, राइट? लेकिन यदि कोई भी इंसेक्ट या बटरफ्लाई जब वो एडल्ट हो जाता है तो फिर उसको मारना थोड़ा सा टफ हो जाता है, राइट? प्लस क्या है, फिर उसकी जो लाइफ साइकिल है वो लाइफ साइकिल पूरी करना, क्योंकि जैसे ही एडल्ट हुआ तो एडल्ट के बाद में क्या, वो वापस बहुत सारे एग्स दे देता है, तो इसीलिए क्या है, वहां से रिप्रोडक्शन बहुत ज्यादा होने लगता है। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम उस वक्त अपने किसी भी प्रोडक्ट को यूज करें जिस वक्त वो लार्वा की स्थिति में है या वो एग्स की पोजिशन में है। एग्स ही खत्म हो गए या फिर लार्वा है, लार्वा की स्थिति में खत्म हो गया तो आगे की साइकिल बढ़ेगी नहीं, तो हमें इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग आ जाते हैं आज का हमारा बहुत ही शानदार प्रोडक्ट जिसका नाम है इंडिया ग्रो। क्या नाम है प्रोडक्ट का, इंडिया ग्रो कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर ऑल योर फार्मिंग चैलेंजेस। अभी जो इंडिया ग्रो है एक्चुअली क्या है, यदि मैं आपको एक बहुत ही नॉर्मल सी भाषा में बताऊं तो इट इज बैंक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ये क्या है, न्यूट्रिएंट्स का बैंक है। जैसे कि आपका न्यूट्री लाइफ, हम लोग न्यूट्री लाइफ लेते हैं कि नहीं लेते, न्यूट्री लाइफ आप लोगों ने देखा हुआ है, तो जिस तरीके से न्यूट्री लाइफ इंसान के लिए काम करता है, इंसान को पोषण देता है, इंसान के खाने में जिन चीजों की कमी हो रही है उन चीजों की कमी को पूरा करता है, उसी तरीके से ग्रो मैजिक एडवांस हमारी खेती के लिए जो न्यूट्रिशन चाहिए उस न्यूट्रिशन को पूरा करता है। खेती को भी तो न्यूट्रिशन चाहिए, आपने देखा एक पौधा भी तो ग्रो करता है, जैसे इंसान ग्रो करता है उसी तरीके से पौधा ग्रो करता है, उसी तरीके से फसल ग्रो करती है।
इंसान को भी ग्रो करने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए और फसल को, पौधों को, इनको भी ग्रो करने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए। तो ये जो न्यूट्रिशन है, आपकी जो फसल का न्यूट्रिशन है वो मिलेगा आपको ग्रो मैजिक एडवांस। तो आप देखिए ग्रो मैजिक एडवांस क्या करता है, ये एक व्यापक जैविक फसल वृद्धि संवर्धक है। समझ में आ गया आपको, यानी ये ग्रोथ प्रमोटर है। ये क्या करता है, ग्रोथ करता है, आपकी फसल की ग्रोथ के लिए यूज किया जाता है, जिसमें शाखों का अर्क शामिल है। यह फसलों के सकल वृद्धि यानी डेवलपमेंट के लिए एक प्रमाणित समाधान है, और ये प्रति एकड़ में बहुत ही कम मात्रा की आवश्यकता होती है। यह अंकुर से लेकर कटाई तक एक अनोखा व्यापक जैविक फसल वृद्धि संवर्धक है। ये क्या कर रहा है, आपकी पौधे की ग्रोथ को प्रमोट कर रहा है, ये पौधे को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रहा है, पौधे को ताकत दे रहा है। और ये कहाँ से स्टार्ट करता है, ये रूट डेवलपमेंट करता है। सबसे पहले क्या करता है, ये रूट का डेवलपमेंट करता है, यानी जड़ को मजबूत बनाता है। आप लोगों ने कहावत सुनी है, यदि आपको फल चाहिए, यदि आपको फ्रूट्स अच्छे करने, तो रूट्स को अच्छा कीजिए। कितने लोगों ने बात सुनी है, यदि आपको फ्रूट्स अच्छे चाहिए तो रूट्स को सही कीजिए पहले। जब तक आपके रूट्स सही नहीं होंगे, तब तक फ्रूट सही नहीं होगा। यदि आपको फल अच्छे चाहिए तो रूट्स को सही कीजिए। तो ये सबसे पहले क्या करता है, ग्रो मैजिक आपकी रूट्स को सही करता है। एक बार चैट बॉक्स में लिखेंगे जल्दी से, ग्रो मैजिक किसके ऊपर काम करता है, ग्रो मैजिक सबसे ऊपर किस चीज के ऊपर काम करता है, लिखे जल्दी से चैट बॉक्स में। वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। यस, ये रूट्स के ऊपर काम करता है। सबसे पहले किसके ऊपर काम कर रहा है, ये रूट यानी ये जड़ के ऊपर काम करता है। वेरी गुड, बहुत सुंदर। उसके बाद किन किन चीजों पर काम करता है, देखिए ध्यान दीजिएगा। ग्रो मैजिक प्लांट की ग्रोथ, इनिशियल प्लांट ग्रोथ यानी उसकी ग्रोथ पे काम करता है। किसकी ग्रोथ के ऊपर, प्लांट की ग्रोथ के ऊपर। पहले तो रूट की ग्रोथ नीचे जमीन में हो रही है, उस पर काम करेगा, फिर जमीन से ऊपर प्लांट की ग्रोथ पे काम करता है। उसके बाद ये काम करता है फ्लावरिंग के ऊपर, यानी फूल ज्यादा आए, फूल ज्यादा आए अच्छा है, उसके ऊपर काम करता है ये, आपके जो फूल की क्वालिटी हो वो अच्छी हो। उसके बाद फिर ये काम करता है फल के ऊपर, ज्यादा से ज्यादा आपका फूल फल में कन्वर्ट हो, फूल झड़े नहीं, ये उसके ऊपर काम करता है। यानी फल और फूल झड़े नहीं, ये उसके ऊपर काम करेगा, उनको रोकेगा। इसके अलावा एक चीज और काम करता है ये ग्रो मैजिक, आपका जो अनाज है, ग्रेन है, या फिर जो फल है, या फिर जो वेजिटेबल है, उसका वेट बढ़ाता है, उसका वजन बढ़ाता है। उसके अलावा ये फलों का, सब्जियों का टेस्ट, कलर, खुशबू, इन सारी चीजों को भी बढ़ाता है। समझ में आ गया, ये क्या क्या करता है, इस तरीके से ये काम करेगा। अच्छा, अब इसको यूज कैसे किया जाता है, अब आप लोग बोलेंगे सर इसको यूज यूज कैसे करना है, इसको स्प्रे किया जाता है। ग्रो मैजिक को क्या करना है, स्प्रे करना है। कब कब स्प्रे कर सकते हैं, पहला स्प्रे जर्मिनेशन के 30 दिन के अंदर, यानी आपने फसल की बुवाई कर दी, फसल अंकुर आपका बाहर निकल आया, अंकुर निकलने से यानी जर्मिनेशन के 30 दिन, 30 दिन के अंदर पहला स्प्रे मार देना चाहिए, फर्स्ट स्प्रे हो जाना चाहिए 30 दिन के अंदर कभी भी। दूसरा स्प्रे हो जाना चाहिए फ्लावरिंग पर, जिस वक्त फूल आता है उस वक्त एक स्प्रे मारना चाहिए, और तीसरा स्प्रे करना चाहिए जिस वक्त फल आता है, जिस वक्त वो फूल से फल में कन्वर्ट होता है उस वक्त हमें तीसरा स्प्रे करना चाहिए। राइट, अब आप बोलेंगे सर कितना करना चाहिए, 1 ग्राम प्रति लीटर, 1 ग्राम प्रति लीटर। आप बोले सर इसको सिंपल करके बताओ, तो सिंपल करके बोलूं, ये 100 ग्राम का पैकेट आता है, 100 ग्राम के एक पैकेट को 1 एकड़ के लिए यूज करना चाहिए। कितने के लिए, 1 एकड़ के लिए। अब आप बोलेंगे सर ये यूज कैसे होगा, चलिए मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ इसको यूज करने की, इसको यूज कैसे किया जाता है। देखिए क्या कीजिए, हमेशा सबसे पहले 100 ग्राम पैकेट लीजिए, उसको 10 लीटर पानी में डाल दीजिए। फॉर एग्जाम्पल 1 एकड़ में, आपको पता है कि 1 एकड़ में कितनी आपकी वो लगती है, कैन, जो स्प्रे करने के लिए जो कैन होती है, जो टंकी होती है, टैंक जिसको बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 एकड़ में मान लेते हैं 10 टैंक लगते हैं, तो आपको क्या करना है, 10 लीटर पानी लीजिए और 10 लीटर पानी में 1 ग्रो मैजिक डाल दीजिए, 100 ग्राम।
ये नैनो टेक्नोलॉजी बेस है, ये क्या है, नैनो टेक्नोलॉजी पर आधारित है, इसलिए इसकी मात्रा बहुत ज्यादा नहीं है, ये सिर्फ 100 ग्राम है, राइट। तो अब आप इसको क्या कीजिए, 10 लीटर पानी में डालिए, उसको घोल बना लीजिए, उसको अच्छे से हिला लीजिए लकड़ी से, तो 10 लीटर बन गया। अब आपको हर टंकी में 1 लीटर डालना है, 1 लीटर पहले उसमें से डालिए, फिर टंकी को फुल कर लीजिए, उसको अच्छे से मिला लीजिए, और मिलाने के बाद उसका स्प्रे करवा लीजिए। तो ये तरीका होता है ग्रो मैजिक को लगाने का। अब इसको आप किस किस के साथ में लगा सकते हो, इसको आप किसी भी फर्टिलाइजर के साथ में लगा सकते हो, इसको आप अकेले भी लगा सकते हो, इसको आप MI स्प्रे के साथ में ऐड करके लगाएंगे तो और अच्छा रिजल्ट आता है। MI स्प्रे प्लस जो है उसके साथ में आप इसको ऐड करेंगे तो बहुत सुंदर रिजल्ट आएगा। तो किसी भी फर्टिलाइजर के साथ में आप इसको मिला के लगाना चाहें तो मिला के भी लगा सकते हैं, अकेले लगाना चाहें तो आप इसे अकेले भी लगा सकते हैं। इट इज इटसेल्फ अ बैंक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। 1 लीटर पानी में 1 ग्राम का मतलब वही हो गया, मैंने आपको जो सिंपल तरीका बता दिया है, आप कहां उसका 1 ग्राम तोलते चलेंगे, मैंने आपको तरीका बता दिया, अब 1-1 ग्राम कैसे आप करेंगे, 100 ग्राम को 100 भागों में डिवाइड करेंगे, उसको आप छोड़ो। सबसे बढ़िया तरीका यही है, आप 10 लीटर पानी लो, 10 लीटर लो या 20 लीटर लो, मतलब जितनी टंकी लगनी है आपके 1 एकड़ में। यदि आपको लगता है सर 1 एकड़ में तो 20 टंकी लग जाएंगी, तो कोई बात नहीं, 20 लीटर पानी ले लो और उसमें ग्रो मैजिक को डाल के घोल तैयार कर लो। अब हर टंकी में उसमें से 1 लीटर डालते जाओ, बाकी पानी फुल कर लो, टंकी तैयार हो गई आपकी। इस तरीके से आपको करना है। तो इसमें आपको वो तराजू लेके ढूंढते थोड़ी फिरोगे कि ये 1 ग्राम हुआ कि 10 ग्राम हुआ कि 100 ग्राम हुआ। तो इस तरीके से ये ज्यादा बढ़िया तरीका होता है इसको यूज करने के लिए। चलिए मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीजें दिखाता हूँ ग्रो मैजिक को लेकर, मैं आपको दिखाता हूँ ग्रो मैजिक कैसी जगह हो कैसी स्थिति को होने से बचाएगा। अच्छा यहां तक समझ में आ गया क्या सभी को, यहां तक समझ में आ गया तो एक बार लिख दीजिए सी क्लियर, चैट बॉक्स में लिख दीजिए सी क्लियर हो गया, लिख दीजिए जल्दी से जिन जिनको क्लियर हो गया, यहां तक ग्रो मैजिक के बारे में जो मैंने बताया वो क्लियर हो गया, एक बार चैट बॉक्स में लिख दीजिए सी क्लियर। लिख दिया सी, वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अभी मैम बोल रही है फर्टिलाइजर के साथ कैसे डालेंगे, फर्टिलाइजर के साथ ऐसे डालते हैं, इन द सेंस कि आपने अभी फर्टिलाइजर को यूज किया है उसी के साथ में, फिर इसका बाद में स्प्रे करवा दीजिए साथ साथ, या कोई इस तरीके का फर्टिलाइजर यूज कर रहे हो जिसका स्प्रे हो सकता है तो उसका स्प्रे भी करवा सकते हैं मिला के, या फिर आपको लगता है कि फर्टिलाइजर कोई भी हम यूज कर रहे हैं तो उसको तो स्कैटर करना चाहते हैं, उसको फैलाना चाहते हैं, तो इसको स्प्रे मरवा दीजिए। कहने का मतलब ये नहीं है कि साथ का मतलब कि इसमें मिला के ही डालना है, साथ का मतलब ये है कि जिस वक्त आप DAP यूरिया लगा रहे हो या कोई और फर्टिलाइजर लगा रहे हो उसी वक्त आप इसका भी स्प्रे करवा सकते हैं, राइट। और यदि उसका भी स्प्रे किया जा सकता है, उसको भी पानी में घोल के लगाया जा सकता है, तो घोल के भी लगा सकते हो जो भी आपका इस तरीके का कोई फर्टिलाइजर है। तो चलिए अभी मैं आपको दिखाता हूं कि ये जो होता है ग्रो मैजिक ये किस तरीके का नुकसान होने से बचाता है आपकी फसल को। देखिएगा आप, ये जनरली आप लोगों ने देखा होगा इस तरीके की स्थिति पैदा हो जाती है, ये पता है किसकी वजह से होती है, ये किसकी वजह से हो रही है, लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, राइट। ये देखिए इसको भी इस तरीके की स्थिति आपकी फसल की ग्रो मैजिक कभी भी नहीं होने देगा। और मैं आपको दिखाता हूं, पत्ते पीले पड़ जाते हैं, देखिए आप लोगों ने, आपके पत्ते पीले नहीं पड़ेंगे, आपकी फसल पीली नहीं पड़ेगी। आपको बताया फसल जितनी हरी होगी, जितना कलर उसका डार्क ग्रीन होगा, उतना ज्यादा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। आपको बताया पौधे का खाना कौन बनाता है, पौधे का खाना कौन बनाता है, पौधे का खाना बनाती हैं पत्तियां और जड़, रूट्स एंड लीव्स। आपकी लीव्स जितनी हरी होंगी, जितनी डार्क ग्रीन होंगी, उतना ज्यादा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, तो इसलिए पत्तियां हरी होनी चाहिए, पीली नहीं होनी चाहिए, रूट्स मजबूत होनी चाहिए। तो ये क्या करेगा, आपकी पत्तियों को भी हरा करने का काम करेगा, और इस तरीके से जो पत्तियां पीली पड़ जाती है न्यूट्रिएंट्स की वजह से, पोषण की वजह से, इंसान में जब खून की कमी होती है तो वो पीला पड़ जाता है, पता है आपको, उसे पीलिया हो जाता है, खून की कमी हो रही है। ऐसे ही आपकी फसल में भी जब खून की कमी, मतलब खून इन द सेंस उसके न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, तो फसल पीली पड़ जाती है, इससे बचाएगा आपकी फसल को।
ये देखिए इस तरीके से प्रॉब्लम हो जाती है, आप देख रहे हो ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हो जाती है, ये देखते चलिए आप, ये जो जितनी भी ये प्रॉब्लम हो रही है इन सारी की सारी प्रॉब्लम को, ये देखिए जैसे आलू है या फिर आपको क्या बोलते हैं ये है आपका रमास वगैरह है, या इस तरीके की जितनी भी फसलें आप देखते हो ना, उनकी भी फसल पीली पड़ जाती है, पत्ते पीले पड़ जाते हैं, ये लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स की वजह से है। ये देखिए प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पा रही है आपके, जो रूट वाली जो सब्जियां हैं जो फल है उनकी भी ग्रोथ प्रॉपर नहीं, आप देख रहे हैं किस तरीके से हो रहा है ये। तो इस तरीके की स्थिति ना हो, ग्रोथ प्रॉपर हो, उस पर काम करेगा ग्रो मैजिक, राइट। एक बढ़िया आपकी फसल को तैयार करने में सपोर्ट करेगा ग्रो मैजिक। देखिए देखा आप लोगों ने बहुत सारी फसलों की ये हालत हो जाती है, ऐसी स्थिति नहीं होगी यदि आप ग्रो मैजिक इस्तेमाल करेंगे तो। ये देख रहे हो आप, इस तरीके से आपको बहुत सारे खेत मिलेंगे जिनमें बड़ा नुकसान हो जाता है, आप इस नुकसान से बचा सकते हो अपनी फसल को ग्रो मैजिक का इस्तेमाल करके। ये देख रहे हो पत्तियां बेकार हो रही हैं, इस फसल की पत्तियां बेकार होकर झड़ रही हैं पत्तियां, यदि ग्रो मैजिक इस्तेमाल किया होता तो ये पत्तियां इस तरीके से सूखेंगी नहीं। आपने देखा है मक्का की खेती में, आप लोग देखो तो मक्का के पेड़ पीले पड़ने लगते हैं, किसकी वजह से पीले पड़ते हैं, फास्फोरस की कमी हो जाती है, तो ये आपके फास्फोरस भी प्रोवाइड करता है, तो इस तरीके से पीले नहीं पड़ने देगा आपकी फसल को। ये देखिए राइट, इस तरीके से ये देखिए, इस तरीके की जो भी कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, डिसकलर हो रहा है, ये भी फास्फोरस की डेफिशिएंसी है, कलर चेंज हो रहा है पत्तियों का, ये पत्तियों का कलर बैंगनी टाइप का हो जाता है, रहना कैसा चाहिए ग्रीन, लेकिन मक्का की पत्तियां आपने देखी कई बार वो बैंगनी टाइप की हो जाती है, ये इंडिकेटर है किस चीज का, कि आपकी फसल में फास्फोरस की कमी है। तो ग्रो मैजिक यदि आप लगाएंगे तो किसी भी एलिमेंट की कमी नहीं होगी आपकी फसल के। आपने देखा इस तरीके बहुत सारे आलू एकदम खत्म हो जाते हैं, सब साफ हो जाता है। ऐसी स्थिति से यदि किसी भी किसान को बचना है, उसकी फसल अच्छी रहे, तो ग्रो मैजिक उसे इस्तेमाल करना चाहिए। आपने देखा होगा जगह जगह पे बोलते हैं चाड़ा मार गया आलूओं को, राइट ना। आपको पता है कोई भी बीमारी किसी के ऊपर कब कब्जा करती है, जब उसकी इम्यूनिटी वीक होती है। आपकी फसल की भी यदि इम्यूनिटी वीक है तो उसके ऊपर कोई भी बीमारी, कोई भी इंसेक्ट उसके ऊपर अटैक करेगा, लेकिन यदि आपकी फसल की इम्यूनिटी स्ट्रांग है, कोई झाड़ा वाड़ा कुछ नहीं बिगाड़ सकता उसका, कोई इंसेक्ट कोई कीड़ा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, यदि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है आपकी फसल की, तो एक तरीके से देखा जाए तो क्या कर रहा है ग्रो मैजिक, आपकी फसल की इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने का काम कर रहा है। बहुत ही सरल शब्दों में कहें तो ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, ग्रोथ को बढ़ाता है। अभी देखिए जैसे आलू है, आपको दिखाई दे रहा है आलू में सबसे पहले तो क्या करेगा, ये नंबर्स ऑफ पोटैटोज नंबर्स बढ़ाएगा, नीचे आलू का जर्मिनेशन ज्यादा हो, आलू की संख्या ज्यादा हो उसको बढ़ाएगा, और दूसरी चीज आलू का साइज बढ़ाएगा, आलू का कलर अच्छा बनाएगा, आलू को टेस्टफुल बनाएगा। आप खुद देखो ना, जब किसी इंसान की इम्यूनिटी अच्छी होती है, अच्छे से खेल सकता है, अच्छे से कूद सकता है, अच्छे से एंजॉय कर सकता है, अच्छे से किसी भी काम को कर सकता है, जब उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। और किसी इंसान की इम्यूनिटी वीक है तो ना तो वो जॉब पे अच्छे से जा पाएगा, ना वो फैमिली में अच्छे से रह पाएगा, ना वो अपने किसी और काम को अच्छे से कर पाएगा। तो इसीलिए जिस तरीके से इंसान की इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए, वैसे ही हमारी फसल की भी इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए, और फसल की इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने के लिए जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो देता है आपको ग्रो मैजिक एडवांस। ये देखिए इस तरीके के, देखिए आपने फसल में पत्तियां बिल्कुल बेकार हो जाती हैं, तो ऐसी स्थिति में आप सोचिए ये क्या खाना बनाएंगी पौधे के लिए। ये टमाटर भी आपने देखे होंगे कई बार पीले पड़ जाते हैं, राइट ना। तो ऐसी स्थिति में क्या है, फिर पौधे को पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता है, तो ऐसी स्थिति पैदा ना हो उसके लिए ग्रो मैजिक एडवांस बहुत शानदार प्रोडक्ट है। अब आप लोग बोलेंगे सर ये आता कितने का है, तो इसकी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस है 1290 रुपया और इसके MRP है 1650 रुपया। कितना? डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस 1290 रुपये, MRP 1650 रुपये। जिस तरीके से आप अपना न्यूट्रीलाइफ यूज करते हैं, उसी तरीके से आप अपनी फसल को यूज करवा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा ग्रो मैजिक फसल में आप इस्तेमाल कीजिए, आपकी फसल एकदम मस्त रहेगी, एकदम बढ़िया रहने वाली है। तो ये था आज का हमारा प्रोडक्ट ग्रो मैजिक एडवांस, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। अब यदि ग्रो मैजिक एडवांस को लेके यदि किसी के मन में यदि कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन है, तो आप लोग एक बार चैट बॉक्स में डाल सकते हो, किसी में भी लगा सकते हो, इसको गन्ने में लगाइए,
आप इसको किसी भी फसल में लगा सकते हो, जैसे न्यूट्रीलाइफ को कोई भी ले सकता है, वैसे एग्रो मैजिक को भी कोई भी ले सकता है। पर आप लोगों के लिए गुड न्यूज यह है, कल हम लोग बात करेंगे एमआई स्प्रे प्लस की। किसकी बात करेंगे कल? एमआई स्प्रे प्लस, कल का हमारा प्रोडक्ट रहेगा एमआई स्प्रे प्लस, कल हम लोग उसको जानेंगे। तो यस, तो कुल मिलाकर के यह हमारा प्रोडक्ट था आज का। एक बार रिवाइज कर लें इसको, एक बार रिवाइज कर लेते हैं गो मैजिक एडवांस को। गो मैजिक एडवांस क्या कर रहा है? बहुत ही सिंपल शब्दों में गो मैजिक एडवांस आपके पौधे को, आपकी फसल को पोषण प्रदान करता है, उसकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, उसे न्यूट्रिशन देता है। जैसे आपको हमारे शरीर को ग्रोथ के लिए क्या चाहिए होता है? न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, विटामिन चाहिए होते हैं, प्रोटीन चाहिए होते हैं, कार्बोहाइड्रेट चाहिए होता है, फैट चाहिए होता है, फाइबर चाहिए होता है, वैसे ही हमारी फसल को भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। ये प्रोवाइड कराने का काम कौन करता है? इंडिया ग्रो का शानदार प्रोडक्ट ग्रो मैजिक एडवांस। ये आपकी फसल की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। कहाँ कहाँ ग्रोथ करता है ये किस किस चीज के ऊपर प्रभाव डालता है? ये रूट्स को मजबूत करता है, ये तने को मजबूत करता है, ग्रोथ अच्छी होती है। उसके बाद में ये पत्तियों को अच्छा रखता है, राइट? पत्तियों में क्लोरोफिल जिसको बोलते हैं उसकी मात्रा को ये बढ़ाता है, पत्तियां एकदम हरी रहती हैं, खाना अच्छा बनाती हैं। उसके बाद में क्या करता है ये? फूल अच्छा आए उस पे काम करता है, फूल झड़े नहीं उस पे काम करता है, फल फूल फल में कन्वर्ट ज्यादा से ज्यादा हो उस पे काम करता है, फल झड़े नहीं उस पे भी काम करता है, फल की क्वालिटी अच्छी हो, अनाज की क्वालिटी अच्छी हो, उसमें वजन हो उसके ऊपर काम करता है। यूज कैसे करना है? 100 ग्राम प्रति एकड़, एक एकड़ में 100 ग्राम। यूज करने का तरीका स्प्रे करना है। कैसे स्प्रे करना है वो मैंने आप लोगों को बता दिया। पहले पानी तैयार कर लीजिए गो मैजिक को मिला के, जितनी टंकी लगनी है उतने लीटर पानी, और हर टंकी में एक एक लीटर डालते जाना है, स्प्रे कर दीजिए, राइट? ये बहुत सिंपल तरीका है इसको यूज करने का, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कब यूज करना है इसको? आप पूरी फसल में 3 बार यूज कर सकते हैं, जर्मिनेशन के 30 दिन के अंदर, जब फूल आता है जब, और जब फल में वो कन्वर्ट हो रहा होता है तब। 3 बार आप इसको यूज करेंगे, आपकी फसल का रिजल्ट बहुत ही शानदार आएगा। तो ये था हमारा आज का शानदार प्रोडक्ट ग्रो मैजिक एडवांस। अब इस प्रोग्राम को, इस सेशन को कंप्लीट करने के लिए मैं आप लोगों के बीच में इनवाइट करने जा रहा हूँ हमारी शानदार, हमारी ग्रेट अपलाइन डॉक्टर निशा भारती मैडम जी को। प्लीज मैम वेलकम। ज्योति शर्मा जी बोल रही है किसी भी सीड के ऊपर यूज कर सकते हैं, कोई भी सीड हो, एनी ऑफ द सीड। आपने कुछ क्वेश्चंस बोले हैं तो उन क्वेश्चंस को मैं पढ़ के उनके जवाब दे देता हूँ, सुनिएगा ध्यान से। ज्योति शर्मा मैम बोल रही हैं लोकल सीड्स और यूज करते हैं या हाइब्रिड सीड्स पर? कोई भी सीड हो मैम, बच्चा गरीब का हो या अमीर का हो, न्यूट्री लाइफ तो सबके लिए चाहिए, उसके निपोषण के लिए। वैसे ही चाहे आपका बीज देसी है या विदेशी है, हाइब्रिड है, कैसा भी है, हर एक बीज के ऊपर आपको इसको इस्तेमाल करना चाहिए। बोथ भूवस्त्र एंड गो मैजिक, देखिए भूवस्त्र का काम अलग था, गो मैजिक का काम अलग था। भूवस्त्र का काम था आपकी फसल को कीड़ों से नुकसान होने से बचाना, इंसेक्ट के नुकसान से बचाना, जो दीमक से बचाना, जो आपकी फसल को काट देते उनसे बचाना, दो अलग अलग चीज हो गई। देखिए एक तो चीज हो रही है ग्रोथ करना, दूसरी चीज हो रही है उसको नुकसान होने से बचाना। तो ग्रो मैजिक तो ग्रोथ कर रहा है, लेकिन भूवस्त्र क्या कर रहा है? उसको कीड़ों से नुकसान होने से बचा रहा है, इंसेक्ट से नुकसान होने से बचा रहा है, दीमक से नुकसान होने से बचा रहा है, और आपकी जमीन में जो जो कीड़े आ जाते हैं या जो किसी भी तरीके की इस तरीके के इंसेक्ट वगैरह होते हैं उनसे फसल को नुकसान होने से बचाता है भूवस्त्र। कैसे? उसके अंदर जो चीज यूज की गई है, जैसे कोई कीड़ा उसको खाता है उसके मैंडिबल्स चौक हो जाते हैं, जबड़ा चौक हो जाता है उसका, उसके शरीर का पूरा पानी निकल जाता है, उसको पैरालिसिस हो जाता है, उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है और कीड़ा खत्म हो जाता है। तो जो कीड़ा आपकी फसल की जड़ को काट सकता था, तने को काट सकता था, आपके भूवस्त्र ने उसको खत्म कर दिया, अब वो काटने नहीं दिया। लेकिन ग्रो मैजिक क्या कर रहा है? वो तो फसल को अच्छी बना रहा है, राइट? गन्ने में लगा सकते हैं, यस। और किसी का कोई क्वेश्चन मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। धान में किस टाइम पर लगाना है बता दिया, वो सेम चीज, सबसे पहले 30 दिन के अंदर, उसके बाद जैसे बाली आने लगती है ना, जिस वक्त बाली आ रही होती है उस वक्त आप इसको लगा सकते हो। यस मैम, प्लीज वेलकम।
यस, वेरी गुड. बहुत सुंदर, बहुत ही शानदार ये प्रोग्राम आप कर रहे हैं मुकेश सर. बहुत बहुत दिल दिल से धन्यवाद. और ये जानकारी हमारे सभी डिस्ट्रीब्यूटर और लीडर्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जरूरी है कि अब हम लोग इस वाले इंडिया ग्रो प्रोडक्ट्स पे भी काम करें, और तभी किसी चीज के ऊपर बात की जा सकती है जब उसकी जानकारी होगी. तो बहुत सुंदर, बहुत स्पष्ट जानकारी मिल रही है यहाँ पर सभी लोगों को. और मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगी रविंदर सर से कि वो इसका जो अनम्यूट का वो ऑप्शन है वो हटा दें, ताकि यदि कोई और भी पर्सनली कुछ पूछना चाह रहा है, कुछ बात करना चाह रहा है, तो वो भी अपना जूम हैंड रेज करें और बोल के बात कर सकें. बहुत सुंदर है. मैंने खुद इसके नोट्स बनाए हैं, आप देख सकते हैं मेरे नोट्स यहाँ पर. मैं खुद बना रही हूँ क्योंकि मुझे भी नॉलेज नहीं है इन प्रोडक्ट्स की बहुत मैम, ज्यादा. सब अपने आप को अनम्यूट कर ओके, तो ये मैं भी बना रही हूँ इसके नोट्स. और मुझे भी लगता है कि कभी कभी कोई पूछ ले, तो हमें बहुत ज्यादा खेती की जानकारी नहीं है, प्रैक्टिकली हमने कभी उसको करा नहीं है, देखा नहीं है, कि बस दूर से ही देखा है. लेकिन अगर नॉलेज हो जाए, थ्योरी पता चल जाए, तो यदि हम थ्योरी भी बता सके तो लोग जो है वो बहुत अच्छे से हमारी बात को लेकर और इसका फायदा समझ पाएंगे. तो सभी लोग, मुझे पूरी उम्मीद है, नोट्स बना रहे होंगे जरूर अपने अपने, क्योंकि ये चीज आप याद नहीं रख पाएंगे. ये चीज ऐसी नहीं है कि जो आपको बहुत इजीली समझ में आ रही है, आपको लिखना पड़ेगा, ताकि जब कभी कुछ बताना पड़े किसी को तो आप अपने नोट्स को देख के बनाएं. तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने नोट्स जरूर बनाएं, और ये जो जानकारी दी जा रही है इसको वीडियो के रूप में भी आपको मिलेगी डेली. ये यदि कोई भी चीज आपकी छूट रही है, समझ नहीं आ रही, तो उस वीडियो को डेली आप एक बार दो बार सुन के भी अपने नोट्स तैयार कर लें, क्योंकि बाद में हमेशा आपके हाथ में हो सकता है कि आप ढूंढते ही रह जाएं कि वीडियो कहाँ थी कहाँ नहीं थी. लेकिन नोट्स अगर आपने बना लिए इंडिया ग्रो के, तो आपके पास हमेशा ये रहेंगे. यस, मैं देख रही हूँ ज्ञानदीप जी कुछ पूछना चाह रहे हैं. प्लीज ज्ञानदीप जी पूछिए. गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग. मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि धान में इसको किस टाइम लगाया जाएगा? नो मैजिक एडवांस। ज्ञानदीप जी, धान में सबसे पहले तो जैसे आपने पौध लगा दी, पौध लग गई, आप पौध लगाने यस के आप 4-6 दिन बाद कभी भी इसको लगा सकते हो. जैसे पौध सेट हो गई जमीन में, जैसे जमीन में पौध सेट हो गई है, पौध लग गई है ना, पौध सेट हो गई है, अब आप करवा सकते हैं, ग्रो मैजिक लगवा सकते हैं 30 दिन के उस टाइम अंदर. सर पत्तियां कम होती हैं उस टाइम, अगर इसको बोला जाता पत्ते पे लगाना है, पत्ते पे नहीं, सड़ना होगा पत्ते या पे मिट्टी किसने पे। बोला, पत्ते पे लगाने के लिए नहीं बोला ज्ञानदीप जी. पत्तियां तो ज्यादा होंगी, जब आप इसको लगाओगे तो वो बहुत अच्छे से फुटेज भी होगी, उसका डेवलपमेंट भी अच्छे से होगा. तो पहली जो डोज है इसकी आप लगा सकते हैं, 30 पहले 30 दिन में कभी भी लगा दीजिए, फर्स्ट 30 डेज में, पौध लगाने के पहले 30 दिन में. उसके बाद में दूसरी डोज कब लगानी है, जब वो बिल्कुल जब बाली आने वाली होती है ना, उससे पहले, जिससे ज्यादा से ज्यादा बाली आए, और तीसरी पकने से थोड़ा सा पहले, जिससे कि उसका जो अनाज है, जो दाना है, उसमें वजन रहे, मोटा रहे, भारी रहे, उसके लिए. बाकी हमारे बीच में अजब सिंह फौजी साहब है, जिन्होंने इसको यूज किया बहुत शानदार तरीके से. तो मैं बताऊंगा, आप अजब सिंह फौजी साहब अपना अनुभव भी बताएं और उन्होंने इसका कैसे बेस्ट रिजल्ट लिया वो भी बताएं. यस फौजी साहब, प्लीज वेलकम. नमस्कार नमस्कार सर. फौजी साहब. हाँ, मैं थोड़ा सा सुझाव देना चाहूंगा क्योंकि मेरा तजुर्बा है, उसको बताऊंगा मैं बिल्कुल आपको. बिल्कुल फौजी साहब, आपका इसका तजुर्बा तो हमेशा चाहिए. इसका घोल 1 लीटर में बनाना चाहिए, ओके. क्योंकि जो सख्त हो जाता है इसमें गांठें हो जाती हैं, और 10 लीटर में मिलाएंगे तो गांठों को आप ढूंढ नहीं पाओगे, हाथ से मिल नहीं पाओगे. एक ओके. लीटर में बनाओगे तो छोटी छोटी गांठ हो जाती हैं, हम उसको हाथ से चुटकी बना के उसको, क्योंकि क्वांटिटी बहुत कम होती है, 100 ग्राम होती है, अगर वो गांठे रह गई तो मशीन में छिड़का में रुकावट डालेंगी और प्रॉपर पूरे खेत में छिड़का बराबर नहीं हो पाएगा. दूसरा, धान में 45 दिन के बाद में छिड़काव करना चाहिए, जब तक पत्ती काफी फैल जाती है. दूसरा, तीसरा, इसका छिड़काव अमावस्या से 1 दिन पहले और उसके अमावस्या के 2 दिन बाद तक करना चाहिए, क्योंकि जो पीपा आपने बताया, अमावस्या के आसपास वो अंडे देता है, कोई भी कीड़ा है उसका ग्रोथ होता है उस समय, और उस समय छिड़काव कर देंगे तो पूरा कंप्लीट अंडा और बहुत उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा. थैंक यू सर. सुंदर, बहुत बढ़िया. देखिए, प्रैक्टिकल अनुभव बताया फौजी साहब ने.
जैसे साइंटिफिकली बताया गया कि इसका जर्मिनेशन के 30 दिन के अंदर आप इसको कभी भी यूज कर सकते हो, लेकिन फौजी साहब ने खुद इसको यूज करके देखा है। फौजी साहब का मानना है कि यदि इसको 30 दिन से 45 दिन के अंदर यूज किया जाए तो ये और शानदार रिजल्ट देता है, यानी इसको 30 to 45 डेज के अंदर यदि यूज किया जा रहा है तो ये और अच्छा रिजल्ट दे रहा है। जैसे आप लोगों को पता है, हम लोगों को जैसे हमारे प्रोडक्ट्स बताए जाते हैं, एलिमेंट्स वेलनेस के प्रोडक्ट बताए जाते हैं, कफ ने लेना है जी, खांसी हो रही है, कितना लेना है, 20-20 ml लेना है, 10-10 ml लेना है। अब उसमें हम लोगों ने प्रैक्टिकल क्या क्या करके देखे, हम लोगों ने कितने सारे प्रैक्टिकल किए याद है आप लोगों को? तेज गर्म पानी लो, उसमें 4 चम्मच कफनेल डालो, उसमें 1 चम्मच कवच फ्रास घोलो, उसको धीरे धीरे घुट घुट करके पियो तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट देता है। आप प्लेन कफनेल लोगे उसकी बजाय, यदि प्लेन कफनेल की जगह पे क्या कर रहे हो आप, यदि आप उसको तेज गर्म पानी में ले रहे हो तो वो ज्यादा अच्छा रिजल्ट दे रहा है। तो ये क्या है, ये हम लोगों के एक्सपेरिमेंट्स है। तो ऐसे ही अभी जैसे कि जो लोग इनको प्रैक्टिकली यूज करते हैं, मुकेश सर एक धान में सिर्फ धान में 45 दिन में, बाकी पर 1 महीने में डालना है। धान का पत्ता लेट आता है, आलू वगैरह पत्ता जल्दी आता है, तो बाकी का 1 महीने में डालना है, धान में 45 दिन में इसका छिड़काव करना है। यस मैम, यस मैम। पर गंगा जी जी भाई जी मैम बोलिए, कुछ कह रही थी आप? यस यस, मैं यही कह रही थी कि स्पेशली धान के लिए वो बोल रहे हैं फौजी साहब की 45 डेज तक करना है, बाकी किसी भी और पौधे में क्योंकि उनकी जल्दी आ जाती हैं पत्तियां वगैरह, तो उसमें हम 30 दिन के अंदर उसको यूज करें। ये चीज हम लोग स्पेशली लिख लें ताकि लोगों को बताने में भी आसानी हो जाए, जैसा प्रैक्टिकल उनका एक्सपीरियंस रहा है तो ये बहुत बढ़िया रहेगा। जी जी बिल्कुल। और दूसरी चीज फौजी साहब ने बताई, 1 लीटर में घोल बनाना चाहिए। देखिए हमारा उद्देश्य है 100 ग्राम को 1 एकड़ में डालने का। अब उसको आप 1 लीटर में बना लीजिए, जैसे फौजी साहब ने बताया, एक्चुअली इसकी गांठे बन जाती हैं जब आप इसको घोलते हो। कम पानी है तो घोलने में आसानी हो जाएगी, ज्यादा पानी है तो घोलने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन घुल उसमें भी जाएगा। तो जैसे आपको सुविधाजनक लगे, आपको 1 लीटर पानी में घोलना आसान लग रहा है तो 1 लीटर में घोल लीजिए। आपको लगता है नहीं सर हम तो गांठे होने ही नहीं देंगे, हम तो 10 लीटर में घोल सकते हैं, 4 लीटर में घोल सकते हैं, पहले 1 लीटर में घोल लो, फिर 10 लीटर का घोल बना लो, उसमें से फिर डाल दो, या 1 ही लीटर बना के ढक्कन के हिसाब से टंकी में डाल दो। कहने का सिर्फ एक ही मतलब है, आप उसको यूज कैसे भी करो, 100 ग्राम की आपकी एक पैकेट 1 एकड़ में यूज होनी है। 1 एकड़ मतलब हमारे यहाँ पे होता है 5 बीघे, 5 बीघा, अलग अलग जगह पे होता है, 1 एकड़ में अलग अलग उनका होता है, लेकिन एकड़ जो है वो सबके यहाँ पे कॉमन है, राइट। तो चलिए ये था आज का हमारा सेशन, आज हम इस सेशन को यहीं पे क्लोज करेंगे। कल अब आप लोगों से मुलाकात होगी हमारे नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम लोग बात करेंगे MI स्प्रे प्लस के बारे में। बाकी हमारे जितने भी लीडर्स हैं, भी सिर्फ लीडर्स एंड लीडर्स मीट के लिए TC एंड अबव लीडर्स कनेक्ट करेंगे। सभी को नमस्कार।